योग गुरु बाबा रामदेव ने मंगलवार को हरिद्वार में कोरोना वायरस की पहली आयुर्वेदिक दवा लॉन्च की। यह दवा बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने बनाई, जिसके बारे में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी। पतंजलि द्वारा बनाई गई इस आयुर्वेदिक दवा का नाम कोरोनिल है। बाबा रामदेव ने कहा कि कोरोनिल दवा को 95 लोगों पर टेस्ट किया गया था। इस दवा के असर से सिर्फ 3 दिन के भीतर 69% कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हो गए, जबकि 7 दिन में 100% मरीज रिकवर हुए हैं। दवा के क्लिनिकल ट्रायल में मौजूद एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में योग गुरु बाबा रामदेव बोले कि आयुर्वेदिक दवा को बनाने में सिर्फ देसी सामान का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें मुलेठी, काढ़ा समेत कई चीजों को शामिल किया गया है। साथ ही गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, शावसरी रस का भी इस्तेमाल इसमें किया गया है। बाबा रामदेव ने कहा कि दालचीनी, लौंग, पीपली, सौंठ, मुलेठी, गिलोय, तुलसी, अदरक, काली मिर्च और मुलेठी का काढ़ा हमने पूरे देश को बताया था। उससे भी घरों में रहकर हजारों लोग ठीक हुए हैं, लेकिन एक साक्ष्यों पर आधारित दवा बनाना चुनौती भरा कार्य था। ऐसी ही और भी कई खबरों को सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए।